ओके okay, बच्चों देखो समझते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब ये बात होती है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो जो एनसीईआरटी है वो आपको एक बड़ा सा टेबल दिखा देती है ना कि आप इसको याद कर लो। बट इंश्योर हो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो जितनी भी जो इमेजेस बन रही हैं, जितनी भी जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, आप उन प्रतिबिंब को कैसे समझ सकते हो। और कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है, ठीक है ना, उस प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी। देखो तो सबसे पहले क्या करो, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट करो समझना और मेरे साथ लिखना। ओके देखो तो सबसे पहले देखो जो पूछता है इसमें भी वही पूछता है जैसे आपने दर्पण के द्वारा जो आपने पढ़ा था कि किस तरीके से दर्पण में हमारी क्या चीज़ें पूछता है। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करना होता है ना, तो हम ये समझ लें कि ज्ञात क्या करना होता है। वही चीज़ जिस तरीके से आप अपने दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते थे और उसमें क्या क्या निकालते थे, तो उसमें आप कुछ गुण निकालते थे ना, प्रतिबिंब के कुछ गुण निकालते थे। अब जैसे वो गुण बेसिकली आप कैसे बताते थे, ये बताते थे कि पहली जो आप चीज़ बताते थे वो ये बताते थे कि उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन कहने का मतलब कि उसकी स्थिति क्या है, पहली चीज़ स्थिति है ना, स्थिति क्या है। दूसरी चीज़ आप क्या बताते, याद करो वहाँ पर आप बताते थे कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसकी आकार क्या है। तो अब हम यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, फिलहाल लेंस की बात कर रहे हैं, हमें ये सब सारी चीज़ें बतानी है, ध्यान समझना है इस वीडियो को, ठीक है, आकार बताना है। तीसरी चीज़ हमें जो बतानी होती थी आपको पता है क्या, हम उसका बताते थे नेचर, जिसको हम कहते थे प्रकृति, है ना, प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है, मतलब कि हमारी जो प्रतिबिंब बन रही है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो अब जो प्रकृति होती थी वो देखो, हम प्रकृति में हम क्या क्या बताते थे कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो आभासी है क्या, है ना, आभासी है या वास्तविक है, दो चीज़ें हम ये बताते थे, वास्तविक, आभासी या वास्तविक, दो चीज़ें बताते थे। और हम फिर एक और चीज़ बताते थे इसमें कि भाई उल्टा हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा या सीधा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें अपने प्रतिबिंब के बारे में समझना, और बहुत ही आसानी से जैसे आपने दर्पण वाले केस में समझा है वैसे हम इस वाले केस में भी समझेंगे। ओके अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखो, ये बातें अभी नोट डाउन कर लो। देखो एक बात हमेशा याद रखो, वीडियो पॉज करके हमेशा नोट डाउन करना है, एक बात हमेशा आप याद रखना, क्या याद रखना है, अगर आपने ये बात याद रख ली, याद रखना है क्या, देखो कि हमारी जो गुण धर्म होते हैं किसके, उत्तल दर्पण के, याद रखना आपने कहा लेंस से बने प्रतिबिंब के गुण क्या होगा, किसके बराबर होगा, वो जो सारे के सारे जो गुण होंगे वो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बराबर होंगे। तो आप बताओ अवतल दर्पण में टोटल कितने प्रतिबिंब बनते थे, 6 बनते थे, तो उत्तल लेंस में भी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6 बनेंगे। आरी भाषा में अब जो हमारे अवतल दर्पण में हमारे जो प्रतिबिंब, उसमें से जो 5 प्रतिबिंब, आपको ये सारी बातें पता है ना कि 5 प्रतिबिंब ऐसे होते थे जो कैसे होते थे, जो हमारे वास्तविक होते थे, ठीक है, वास्तविक होते थे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 5 प्रतिबिंब ऐसा होगा जो क्या होगा, वास्तविक होगा, आगे बात समझ में। और एक प्रतिबिंब इसमें ऐसा होता था जो क्या होता था, आभासी होता था, बस ठीक है। और इसमें भी एक प्रतिबिंब ऐसा होगा जो क्या होगा, आभासी होगा। ये बातें क्लियर है, ठीक है, चलो अभी तो सर ये स्टार्ट है, अभी देखो अभी क्या क्या होता है, अभी ये सर स्टार्ट है बस। अच्छा एक और चीज हम देख लेते हैं क्या, कि अवतल लेंस यानी कि इन दोनों के जो गुण होंगे वापस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप याद करो उत्तल दर्पण में आप कितने प्रतिबिंब बनाते थे, 2 प्रतिबिंब बनाते थे, अवतल लेंस में भी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के ये हमारा जो 2 प्रतिबिंब बनता था उत्तल दर्पण से, हमारे ये जो दोनों के दोनों प्रतिबिंब होते थे वो कैसे होते थे, आभासी होते थे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये भी दोनों का दोनों क्या होगा, आभासी होगा। बस सर इतनी चीज़ें जो है ना, अगर आपने समझ ली हैं, अगर आपने दर्पण को बहुत ही अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, तो लेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, अब देखो टेबल आपने देख लिया, टेबल को भी भूल जाओ फिलहाल के लिए भी भूल जाओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब क्या है कि अब आपको समझने से पहले जैसे आपने वहां पर पढ़ा था, कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे कि किरणें कैसे कैसे चलती हैं, दर्पण में किरणें ऐसे जाती हैं, इस तरीके से आ जाती थी, तो यहाँ पर भी हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
देखो सर, आपको समझना है कि सर हमारे लेंसेज में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगी, है ना। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर हमारी जो किरणें हैं वो लेंस में कैसे चलती हैं। तो बेसिकली चलने के लिए बेसिकली तीन नियम होते हैं, वही जैसे पिछले वाले की तरह, है ना। ये पहले आप हेडिंग डाल लो, इसको याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है, ध्यान समझना, इसको याद कभी भी नहीं रखना, बस आपको समझना है। देखो भाई, लेंस है तो लेंस में हमारे दो प्रकार की हमारी लेंस है, एक हमारा अवतल, एक हमारा उत्तल लेंस है, एक हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये जो किरणें हैं वो कैसे चलेंगी। देखो पहली चीज क्या है, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास एक, हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास एक क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है ना, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, और ये हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ध्यान समझना, ठीक है ना, कॉपी में इसको नोट डाउन करना भी। और मैंने कहा सर मेरे पास एक अवतल लेंस है, ठीक है, ये तो मेरी अवतल लेंस है, ठीक है ना। यहाँ ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ पे हमारी प्रकाशीय केंद्र होती है। देखो पहला पहला नियम क्या है, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, दोनों के लिए पहला नियम क्या है कि जब अगर हमारी कोई किरण, अगर हमारी कोई किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, अगर हमारी कोई किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर चलती है, हमारी अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलती हो, समांतर चलती हो, तो जब उसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। किसके केस में, उत्तल लेंस के केस में, किसके केस में, उत्तल लेंस के केस में, ये आपका उत्तल है, ठीक है ना। हम पूरे के पूरे इधर बात कर लेते हैं उत्तल की, पूरा लिख लेते हैं यार, उत्तल लेंस, और ये हमारा है अवतल, अवतल लेंस, ठीक। तो ये हमने बात कर ली उत्तल लेंस के केस में क्या, कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से, यानी कि एफ से होकर के जाती है, और ये हमारी कौन सी मुख्य फोकस होती थी, दूसरी वाली मुख्य फोकस होती थी, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर हमारी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रथम फोकस से होकर, वो प्रथम ऐसा ऐसा प्रतीत होता था कि वो प्रथम फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहां पर मिलती थी, यहां पर मिलती थी F1 पर, ये आपका पहला नियम, ठीक है ना। सिंपल मतलब कि अगर कोई, बस सिंपल ऐसे याद रखो कि अगर उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में अगर हम, हमारी कोई प्रकाश किरण हम अगर ऐसे लाएंगे तो उसको हम कहां से ले आएंगे, मुख्य फोकस से, और अवतल लेंस में अगर हम कोई प्रकाश किरण लाएंगे तो कहां उसको ऐसे हम फैला देंगे, और ऐसा लगेगा कि हमारी कहां से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, F1 से जाती हुई, यानी कि प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये पहला रूल समझ में आया, इसको लिखना नहीं है, बस आप समझते चलो। हाँ, हो सकता है अगर आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ये आपके NCERT बुक में भी दिया है। दूसरा रूल देखो क्या है, दूसरा रूल कुछ नहीं कहता है, दूसरा रूल देखो बेसिकली ये बोलता है कि मान लो अब मैंने कहा कि फिर से मेरे पास एक, फिर से हम अपना क्या बना लेते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं, ओके। मैंने कहा कि सर ये मेरे पास फिर से एक उत्तल लेंस है, ठीक। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लो आपने कहा ये मेरे पास मुख्य अक्ष था, और सर हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्य फोकस होता है जिसको हम कहते हैं F1, कहते हैं ना, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है F2। सिमिलरली इसके भी हम बना लेते हैं, पहले बना ही लेते हैं दोनों, ध्यान समझ लो, बहुत आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात फिलहाल तो अभी नहीं है, ठीक है। मैंने ये कहा सर मेरा हमेशा इधर F1, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, अदर बुक वाले चाहे आपको जो भी कहें F1 F2 आप हमेशा ऐसे मानोगे, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई किरण, भाई मैंने कहा कि भाई ये हमारी मान लो यहाँ पे एक मोमबत्ती जलती है ना, तो प्रकाश की किरण हमेशा ऐसे 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 जैसे सूरज है ना, सूरज तो सूरज केवल एक ही डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा अपना रे चला रहा है, किरण चला रहा है, वो हर जगह ऐसे 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 फैल रहे है ना, आ रही बात समझे ना। तो वैसे ही मान लो कोई दूसरी प्रकाश की किरण होगी जो कैसे आ रही होगी, जो हमारे इस फोकस से जा रही होगी, है ना, जो इस प्रथम फोकस से जा रही होगी, हमारी कोई एक ऐसी प्रकाश किरण होगी जो इस प्रथम फोकस से जा रही होगी। देखो तो जब अपवर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरा नियम याद रहेगा कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है, दूसरा नियम है, ठीक है। इसमें भी हम वही काम कर लें कि अगर हमारी मान लो, अब देखो अब इसमें क्या करना है, मतलब कि कोई हमारी मुख्य फोकस, अच्छा तो हमने कहा सर मेरे पास कोई एक ऐसी लाइन थी जो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, देखो ऐसे है ना, मुख्य फोकस की तरफ आती हुई, ऐसी कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बस यही बात आपको याद रखनी है।
कि मुख्य फोकस की तरफ आती भी प्रतीत होती है, लेकिन समांतर के पश्चात अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर वाला कंडीशन भी याद रहेगा, ठीक है। ये आपको दो कंडीशन, ये आपको दो रूल मिले, आपको दो दो नियम मिले। अब देखो तीसरा नियम बहुत ही आसान है, आपको अगर अच्छा इतना आसान कुछ नहीं है। तीसरा नियम या पहले भी पढ़ चुके हो। तीसरा नियम देखो क्या बोलता है। मान लो मैंने कहा सर कि मेरे पास फिर से कोई एक उत्तल लेंस है और मेरे पास फिर से कोई एक अवतल लेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारी होती है प्रकाशित केंद्र, जिसको हम ओ कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी हमारा होगा प्रकाशित केंद्र, जिसको हम ओ कहते हैं। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है, कुछ नहीं। अगर कोई प्रकाश किरण हमारी प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है, तो वो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में चली जाती है। बस मतलब एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। इसमें भी वही हाल होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है, तो बिना अपवर्तन हुए, मतलब बिना अपवर्तित हुए, वो दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये हमारे तीन नियम है। आपने कहा सर इन तीन नियम का यूज क्या है। देखो जब भी आप किसी प्रतिबिंब को बनाओगे, तो कम से कम, मैं वही पिछली वाली सारी बातें हैं, कम से कम आप दो प्रतिबिंब को, मतलब दो नियम को एक साथ मिलाओगे। दो नियम को मैंने क्या बोला, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो नियम को आप एक साथ मिलाओगे, और जिस दो नियम में है ना, उन दो नियमों को मिलाने पर कोई भी अगर अपवर्तित किरण अगर कहीं पर भी एक दूसरे को अगर कट कर गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर गई, तो वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। स्टार्ट किया जाए अपना प्रतिबिंब बनाना। ओके सर, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उत्तल लेंस में हम किस तरीके से प्रतिबिंब को बनाते हैं, और किस तरीके से हम उसकी प्रकृति, उसका जो हमारा पोजीशन है, मतलब जो स्थिति है ना, उसका जो आकार है, किस तरीके से हम निकालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर वीडियो बहुत ही अच्छा है, फिर बहुत ही खराब है, जो भी है जैसा आप कमेंट करके बताओ। ओके चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर दो। ओके।